बीएपी विधायक और बीजेपी के समर्थकों के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के दक्षिणी प्रांत में बीएपी के उदय के बाद इस क्षेत्र में राजनीति में आए दिन हलचल देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीएपी के राजकुमार रोत सांसद हैं, जबकि दरियाबाद, आसपुर और बागीदोरा विधानसभा सीट से बीएपी के विधायक भी हैं। 8 सितंबर को लसाड़िया खंड में किसी खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान दरियाबाद विधायक थावरचंद डामोर उस कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ करने का मौका आया तो उस दौरान खंड के प्रधान, जो भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कार्यक्रम तय किया गया, जहां पर विधायक थावरचंद डामोर भी मौजूद थे। अब बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के समर्थकों के बीच कार्यक्रम के शुरुआत को लेकर विवाद उपजा और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच आपस में खींचातानी और हाथापाई की नौबत आई। इस बीच पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कहना था कि खंड में कार्यक्रम की शुभारंभ में प्रधान इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं भारत आदिवासी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायक होने के नाते इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक के द्वारा होगा। दोनों पक्षों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और हाथापाई तक ये कार्यक्रम पहुंचा और शराबा हुआ। बताया जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला भी कर दिया और अभद्र व्यवहार किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माहौल खराब करते हुए शोर शराबा किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक को वहां से सुरक्षित अपने वाहन तक पहुंचा दिया। विधायक थावरचंद डामोर अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पूरे मामले को देखते हुए भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके विधायक को कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करने दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यक्रम के दौरान शोर शराबा किया और प्रधान से कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करने दी। अब इस पूरे मामले में कौन दोषी है, किसकी गलती है, किसने माहौल खराब किया और किसने हाथापाई की, पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।